हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कोडरमा ज़िले में चौकीदार की कितनी पोस्ट है और कितनी बहाली होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका है उपायुक्त सह जिला जिला दंडाधिकारी का कार्यालय कोडरमा, आम सूचना। चलिए ये दिनांक पत्रांक है, ये निकला है 23/7 को ही। अब देखिए विज्ञापन संख्या यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, मेन पॉइंट्स यही है। विज्ञापन संख्या 1/2024 है, आवेदन 25/7 से शुरू हो चुकी है, 27/8/24 तक ये चलेगा, है ना, सॉरी 17 अगस्त 24 तक ये चलेगा, यानी 17 अगस्त तक आप आवेदन दे सकते हैं। तो देखिए चौकीदार के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन, विज्ञापन संख्या देखिए 1/2024, इसका जरूरत पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका देखते हैं कुल रिक्ति पद। तो चौकीदार में कितना रिक्ति पद है, देखिए 95 पद है, मोटा मोटी 100 मान के चल रही इसको। अनारक्षित 52 है, अनुसूचित जात जनजाति 16 है, अनुसूचित जाति 0, पिछड़ा 0, अत्यंत पिछड़ा 0, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10, टोटल 95। महिला उसमें से 5 है, क्योंकि उसका 5% कोटा है। खेलकूद कोटा का 1 है, अंधापन दृष्टि दिव्यांग 1 है, बहरा निःसक्तता 1 है, चलन निःसक्तता 1 है, सुलिंते बहु निःसक्तता 1 है। इस तरह हो गया टोटल 95 पोस्ट। अब देखिए न्यायालय के आदेश द्वारा हो रहा है, तो इसको डिटेल पढ़ने से कोई फायदा नहीं। मेन देखिए पदों की संख्या, देखिए सबका तो क्लियर हो गया 95 पोस्ट है। अब इसका पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें क्या पद है, 1 से 25 अंधापन, 26 से 50 है, इसका दृष्टि दोष है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए उपायुक्त इसके अध्यक्ष हैं, वरीय पुलिस उपाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक सदस्य हैं, विकास आयुक्त सदस्य है, अपर समाहर्ता सदस्य, अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य, और स्थापना उप समाहर्ता कोडरमा आमंत्रित सदस्य। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास, मेल फीमेल सब भर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 जुलाई 24 तक 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम देखिए अनारक्षित EWS के लिए 35 साल, दिव्यांग के लिए 10 साल, सब में बढ़ोतरी समझ लीजिए। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1-2 दोनों 37 साल, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग 38 साल, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष महिला 40 साल, और दिव्यांग के लिए सब में 10 साल और ज़्यादा जोड़ दीजिए। तो अब अवैतनिक रूप से जो चौकीदार काम कर रहा है उसके लिए आयु सीमा को शिथिल कर दिया गया है। उसका कितना भी उम्र हो रहा है उसको लिया जाएगा, उसका बोनस पॉइंट भी मिलेगा, 1 साल का उसका 2 पॉइंट जुटेगा, वो मेरिट में वो जाएगा, बाकी का दौड़ लिखित और दौड़ का मेरिट से सिलेक्शन होगा। आयोग गणना 1 जुलाई 24 को होगी। आपको उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, बीट क्षेत्र, बीट क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है। देखिए अभ्यर्थी को साइकिल चलाने ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जिला स्तरीय 50 अंक का परीक्षा होगी, जिसमें 30% लाना है, यानी 50 में 15 नंबर लाना है। सफल उम्मीदवारों की संख्या 1/3 के संख्या में तैयार की जाएगी। 95 पोस्ट है तो 100 मान के चलिए तो 300 पोस्ट लिखित में रखा जाएगा, 300 का सिलेक्शन होगा लिखित में। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा रखा जाएगा जितना पोस्ट है उसमें। और आपका उपायुक्त कार्यालय या समाहरणालय कोडरमा में आप जाइएगा, वहाँ सब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आपका स्केल बहुत तगड़ा है इसमें, अभी सहायक आचार्य का जो मिल रहा है पेमेंट मिलने वाला है, मिल नहीं रहा है, बहाली 1 बार नहीं हुआ है, अभी तो कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट तो निर्देश दिया है कि अभी रिजल्ट पेंडिंग में रखिए, तो हाँ सुप्रीम कोर्ट, तो उनका जो स्केल है आपका भी स्केल सेम है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है, जाइए 25-30 हज़ार से आपका स्टार्टिंग मिलेगा। देखिए सामान्य श्रेणी ऊंचाई में 160, पिछड़ा वर्ग भी 160, अनुसूचित जाति जनजाति में 155, महिलाओं के लिए 148। आप देखिए दौड़ में कैसे करना है, पुरुष के लिए 5 मिनट या उससे पहले 20 अंक दिया जाएगा, और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच 10 अंक, महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक, और 8 से 10 के बीच 10 अंक, और उससे ज़्यादा लेते हैं तो आप आउट हो जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता गठित समिति में होगा, ये न्यायालय का है। और ये जो है आपका चौकीदार में जो अवैतनिक रूप से काम कर रहे हैं उसके लिए 1 साल में 2 अंक मिलेगा, यानी 10 साल काम किया है तो 20 अंक, लेकिन 11 साल काम किया है तो 12 नहीं, मैंने 10 साल से जितना ज़्यादा है वो 20 ही जोड़ाएगा, ठीक है। मैंने 1 साल का 2 और पूर्ण ईयर में अगर मान लो 3.5 साल कोई काम किया है तो 3 दुने 6 ही जोड़ाएगा, पॉइंट मिलेगा, 7 नहीं।
चलिए, मेगा सूची में लिखित परीक्षा का प्राप्तांक मैंने आप जो लिखित में आइएगा वो और शारीरिक जांच दोनों को मिला के होगा, और जो अवैतनिक रूप से कार्य कर रहे हैं चौकीदार उनका तो कार्यानुभव भी जुटेगा तो उनको तो फायदा है, आयु सीमा भी उसका शिथिल कर दिया गया है। चिकित्सा परीक्षण, उसके बाद आपको मेडिकल जांच कराना होगा, फिर आपको कैरेक्टर आचरण प्रमाण पत्र थाना से लिखवा के भी देना है, कई कई जिला तो पहले मांग रहे थे, अब देख लीजिए यहाँ चौकीदार पद बहाल के आधार पर परीक्षा। अच्छा, आपको 2 साल का प्रोबेशनरी होगी, मतलब 2 साल आप अस्थायी रहिएगा, सब सर्विस में ऐसे ही होता है। अगर उस पीरियड में आपका कार्य संतोषजनक रहा तो दिक्कत नहीं, अगर नहीं रहा तो 1 साल के लिए आपको फिर सेवा में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा, अगर उसमें भी आप यदि ठीक से नहीं करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए बढ़िया से काम कीजिए। देखिए ग्रेड पे दिया हुआ है 15,200 से 20,200 ग्रेड पे, 5वां है 1800, ये 6ठा में ही हो जाता है आपका 18,000 से स्टार्टिंग। तो चलिए, ये प्योर गवर्नमेंट जॉब है, आप घर का CBI ग्रामीण CBI बोल सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र सभी का स्व प्रमाणित पत्र सभी का फोटोकॉपी करके और उसमें स्व अभिप्रमाणित करके उसको डाल दीजिएगा। आरक्षण के दावा है तो सचम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र भी देना है। सचम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, देखिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्मतिथि संबंधित आजकल तो सब में रहता है, आचरण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति भी बना लीजिएगा, आचरण वाला कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, 200 अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो भी प्रपत्र में आवेदन बंद लिफाफा में दिनांक 17 अगस्त तक जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय भवन कोडरमा पिन कोड 825410 में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजा जा सकता है। दिनांक 17/8/24 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आवेदन अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 1/24 जो दिया हुआ है देख लीजिएगा। आवेदित पद का नाम चौकीदार, बीट संख्या नीचे दिया हुआ है, जिस क्षेत्र में आप हैं निवासी उसका दे दीजिएगा, अंचल भी दिया हुआ है, थाना का नाम भी अंकित कर दीजिएगा, आपको तो मालूम ही होगा। अब देखिए इसका वेबसाइट है www.kodarma.nic.in, आप देख लीजिए, इसका आपका फॉर्म भी वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, यहाँ भी है देखिए, और नहीं तो नज़दीकी थाना या समाहरणालय में आपको मिल जाएगा। आप देखिए ये मेन पॉइंट है, आवेदन शुल्क कहीं आपका पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम और एक कहाँ जो था याद नहीं आ रहा है, वो सब का मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो सब मैं नहीं मांगा जा रहा था, लेकिन बहुत जिला पैसा भी मांगे, जैसे रामगढ़ में पैसा लगा, आपका रांची वाला भी पैसा लगा, तो आप उसके लिए देखिए अनारक्षित पिछड़ा के लिए 200 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त कोडरमा के पदनाम से भुगते हो संग्रहण करना जरूरी है, ये बैंक ड्राफ्ट ही बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। रामगढ़ में जो जितना भी ये पोस्टल ऑर्डर बनाए थे प्राय सबका कैंसिल हो गया था, अपने से भर कर डाल देते हैं, वहाँ देखिए उपायुक्त और जहाँ आपको पे है पेएबल है उपायुक्त जैसे कोडरमा, नहीं तो बैंक ड्राफ्ट सबसे बढ़िया है, जाइए बैंक ड्राफ्ट तो बैंक में बनाता है तो लोग देख के बनाता है, वो एक भी कैंसिल नहीं होता है, हो गया। उसके बाद क्योंकि इसमें भी आपको कमीशन लगा, उसमें भी कमीशन लगा, इसमें आप अपने भर दीजिएगा और उसमें तो भरना पड़ता है। परीक्षा की तिथि 2 स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, मैं अपडेट देते रहता हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए ये है सतगावा अंचल, अब इसमें देखिए अंचल का नाम है, बीट संख्या दिया है जैसे 1/6, अब इसमें संबद्ध गाँव मोदी डी है, मौननपुर है, झरगांव है, नवादपुर है, पंचायत मीरगंज है, अभियुक्त रिक्त है, जो जो रिक्त है इसी तरह से आप देखिए प्रत्येक पंचायत का कार्यरत बल देखिए, कार्यरत बल देखिए इसमें 27 है, इसमें है रिक्त कितना है सब दिया हुआ है, इसको सब देख लीजिए आराम से, इसको अपना अपना क्षेत्र का और उसको भरिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा आवेदन में आते हैं और इसको शॉर्ट में करेंगे, देखिए आवेदन कैसे करना है, ये आवेदन है, इसको भी आप अपलोड वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि, यहाँ फोटो लगाइए कलर फोटो, गृह जिला लिखिए, अंचल का नाम लिखिए, बीट क्षेत्र जो ऊपर में देखे बीट संख्या वहाँ जो था 1/6 इस टाइप का कुछ था उसको, ग्राम का नाम, अभ्यर्थी अपना नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता या पति का नाम लिखिए। उसके बाद देखिए इसे उम्र माह वर्ष माह दिन लिखिए, जनजाति क्षेत्रीय भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत
मुंडारी हो, भूमि संथाली, कुड़ुक, कुरमाली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, उल्लिखित भाषा में एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर कीजिए। ठीक है, और जिला बेसिस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जिला से संबंधित। वहाँ महत्वपूर्ण स्थल जो है जिला का, ऐतिहासिक स्थल, नदी, पहाड़, पठार, धार्मिक स्थान, सबको नोट कर लीजिएगा। ब्लॉक कौन ब्लॉक में है, एक दो का बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पंचायत भी अगर जानते हैं तो अच्छा रहेगा, ब्लॉक जानना जरूरी है। चूँकि रामगढ़ वाला में पंचायत भी पूछा था, पतरातू डैम किस पंचायत में है, तालाटाड़ पंचायत में है, लेकिन बहुत लोग गलती किए थे, पंचायत घर से जानते नहीं कोई। आवेदक का स्थायी पता, ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है। पत्राचार का पता, आवेदित पद का नाम चौकीदार, दो चिन्ह आपका शरीर का, कोई दो चिन्ह कट या मोल मार्क, मोल जो भी हो। शैक्षणिक योग्यता आप दे दीजिए, मैट्रिक, इंटर जो भी है, बोर्ड, उत्तीर्णता का वह प्राप्तांक और प्राप्तांक का प्रतिशत, पुरुष, महिला, दिव्यांग हो तो देखिए यहाँ कैटेगरी जितना है सब में टिक लगाइए। प्रमाण पत्र जो भी दीजिएगा, खिलाड़ी है तो उसका तिथि और उपलब्धि कैसे मिला, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सबका, निर्गत डेट और संख्या दोनों वहाँ रहता है उसको भर दीजिएगा। परीक्षा शुल्क, पोस्ट ऑर्डर का ड्राफ्ट का संख्या और तारीख जिस दिन को बनेगा, ड्राफ्ट बनाइए बेटर रहेगा। उसके बाद सौ पता लिखा लिफाफा जिस पर 30 रुपये का डाक टिकट लगा हो। और देखिए अभी डाक टिकट में कहाँ जो दिया हुआ था आपका, इधर कहीं मार हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है, क्या करेगा बेचारा। अंचल का नाम देखिए, और ये जो है जो वेतनी काम कर रहे हैं उसके बारे डिटेल है, जो चौकीदार बिना वेतन का काम कर रहे हैं, अंचल का नाम देना है, थाना देना, बीट संख्या और कितना दिन हो, वर्ष, माह, दिन, चूँकि उसको पॉइंट मिलेगा उसके आधार पर मेरिट में जुटे। घोषणा पत्र है देखिए, ये जो इसको पढ़ लीजिएगा कि मेरे विरुद्ध कोई न्यायालय में दंडित मामला नहीं है, मामला नहीं चल रहा है, मेरा आचरण अच्छा है, या जो भी है इसको पढ़ लीजिएगा। गलत सूचना पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब तिथि, स्थान और अपना हस्ताक्षर, ये देखिए, ये प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए, परीक्षा जो लिखित होगा, पहले लिखित परीक्षा होगा, रामगढ़ में ऐसे ही हुआ था, पहले लिखित हुआ उसका परीक्षा हुआ, उसका समाहरणालय रामगढ़ बुलाया गया, वहाँ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल हुआ, उसके बाद लोगों नियुक्ति पत्र मिला। आवेदित पद का नाम चौकीदार, आवेदक का नाम अपना नाम, सौ अभिप्रणित रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का जो ऊपर में दीजिएगा और नीचे भी दीजिएगा उसमें भी देना, पिता पति का नाम, पत्राचार का पूरा पता दे दीजिए। एक कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, रोल नंबर देगा, परीक्षा स्थान केंद्र उस जिला में ही दे देगा। तो ये रहा आपका, ये कोडरमा जिला का चौकीदार का पोस्ट का वैकेंसी, टोटल 95 पोस्ट है, जाइए भरिए और ग्रामीण चौकीदार बनिए और एकदम बम बम झारखंड की सेवा कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।